ਸਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮਹੰਤਾਂ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪੰਥ ਪੱਖੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਕੌਮ ਪੱਖੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਮਹੰਤਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਮਹੰਤਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੇ ਮਹੰਤਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਵੇਖਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਸਿਰਫ 2% 98% ਠੀਕ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਦਰੋਹੀ ਕੌਮ ਦਰੋਹੀ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਸਿਰਫ 5% 95% ਨਹੀਂ ਸਨ ਤੇ ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਇਹ ਕਿਆਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈਆਂ ਨੇ ਹੁਣ 95% ਤੇ ਕੌਮ ਦਰੋਹੀ ਨੇ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਤੱਕ ਕੌਮ ਦਰੋਹੀ ਨੇ हैरानगी हो जाती है पटने साहब दे जथेदार ने की कर दिखाई है थोड़े सामने रूपरेखा थोड़े सामने और बड़े बड़े तख्तां दे प्रबंधक मुखी इन्होंने कौम का साथ नहीं दिता बड़े बड़े तमाम गुरुद्वारे महाराष्ट्र दे बंगाल दे बिहार दे यूपी दे कोई कौम की हां च हां नहीं मिलाई असी दोष लाया मानता ते सरकार पक्षी हो जाते ने पंथ पक्षी नहीं आते पर जिथे तक मेरी गिनती हो सकता है गलती हो पक्षी 5% सरकार पक्षी आते सन बाकी ते पंथ पक्षी आते सन बाकी ते कौम का साथ देंदे सन ते हुण मैं देखिया 95% गुरुद्वारियां दे प्रधान मुखी पंथ पक्षी नहीं ने कौम पक्षी नहीं ने कौम का साथ इन्होंने नहीं दिता तिना देंदे ने बस गुरुद्वारे का प्रधान बन जाना है फिर असेंबली हाल के बूहे खड़काने ने ताकि MLA बन जाइए MP बन जाइए गुरुद्वार की इस टकसाल में कोई संत बने भगत बने सिख बने गुरमतिया बने इस नाल इन्हों का कोई मतलब ही नहीं है ते ना ही कोई रोज का आमना है कौम नू सोचना पेगा जिहड़ा बंदा गुरुद्वारे रोज नहीं आ सकता उन्हों प्रधान ते सिकत्तर नहीं बनाना कौम सोचेगी ते उन्नति कर सकेगी वरना जिस रसातले च पई है गुस्ताखी माफ होर जावांगे जिहड़ा रोज वक्त नहीं कर सकता उन्हों प्रधान बनाने का मतलब की क्यों बनाइए की करेगा जिहड़ा आ ही नहीं सकता गुरुद्वारे देख रेख ही नहीं कर सकता फिर उन्हों प्रधान बनाने का की मतलब है क्यों बनाइए खैर ये गल्लां मैं सारे हिंदुस्तान दे चाखियां ने बदकिस्मती है लोकी कई दफा अपनी शक्ति का बहुत गलत दुरुपयोग ते कर लेंदे ने सही उपयोग नहीं करते इस ढंग की वरतों जो है नहीं करते 2% मंत शराबी सन 2% बाकी नहीं पींदे सन इल्जाम नहीं ला सकते को सारे मंत शराबी सन कता ही नहीं सिर्फ 2% विद्वान भी सन आलम भी सन टकसाला ही उन्होंने चलाईया हुई 2% शराबी सन ते गुस्ताखी माफ जिथे तक मेरी गिनती है हुण 90% प्रबंधक शराबी ने फिर लगया की तुसी खटिया की तुसी खो मंता ते गुरुद्वारे इन्होंने खेती की देख रेख नहीं की इन्होंने फसल बहुती नहीं बोई इन्होंने बीज बोए बहुते नहीं बोए ते मैं देखे जिहड़े उन्होंने भी बोए सन वह भी असी उजाड़ के रख दिते असी तो वह भी उजाड़ के रख दिते बर्बाद करके रख दिते ने ते कौम नूं इक निक्की जिही चेतावनी है निजाम बदलोगे नहीं तां कीवें करनी है फिर होर उजड़ांगे और मैं देखदा अधर्मी मनुख अगर धार्मिक अस्थाना दे मुखी हो जाण तो धार्मिक अस्थान का दुरुपयोग होगा एक उर्दू के शायर का कहना है इनकलाबात ने क्या नजमे गुलिस्तां बदला फूल मुरझाए हैं कांटों पे बहार आई है कहता कमाल की गल बगीचियां का इंतजाम जिन्ना मालिया के हाथों च आया बदल के इनकलाबात ने क्या नज़्मे गुलिस्तां बदला फूल मुरझाए हैं कांटों पे बहार आई है धार्मिक मनुख मुरझाए एक पासे बैठे ने
कोई ताकत नहीं, कोई सत्या नहीं, ते कंडिया ते बाहर आई हो। ये कंडे ही धार्मिक अस्थाना दे मुखी बने, जेड़े इन चुभन गए, उस चुभन गए, ओनू चुभन गए। ये चुभन वाले धार्मिक मंदिरां दे मुखी फूल मुरझाए हैं, कांटों से बाहर आई है। हकीकत है, बहुत वड्डी सच्चाई मैं अर्ज पिया करना। सिर्फ एक निक्के जिहा खिते दे च महात्मा बुद्ध ने अपने विचारां दे बीज बोए, तो अज करोड़ां दी तादाद विच वो बीज वधिया प्रफुल्लत होया। बिल्कुल निक्के जिहा खिते विच हजरत ईसा ने अपने विचारां दे बीज बोए, सारी दुनिया विच फैला दिते उन्हां दे अनुयायियां ने। मुहम्मद साहब ने चंद मील दे टुकड़े विच इस्लाम दे बीज बोए, पर एक क्यारियां जिन्हां दे हत्थां च आईयां उन्होंने बीज सारी दुनिया च बो दिते। नौखंड पृथ्वी दे च गुरमत दे बीज बोए गुरु नानक ने, ते बदकिस्मत ये कि पंजाब दे च भी गुरमत नावे मनमत दे अड्डे होण, किधरे राधा स्वामियां दे, किधरे नामदारियां दे, ते किधरे निरंकारियां दे, ते किधरे किले वालियां दे, जो गुरमत दियां तजियां पै उड़ांदे होण। इस ढंग का सिलसिला आवे कहना पएगा, इनकलाब आवत ने क्या नज़्मे गुलिस्तान बदला, फूल मुरझाए हैं कांटों पे बहार आई है। हुण ते पखंडियां दे डेरियां च बहार आई है, हकीकत है, कंडियां ते बहार आई है, फुल ते मुरझा गए, गुरुद्वारे उजड़ गए। पंजाब विच बड़िया बड़िया सिंह सभावां की हो रहा ना, दो बंदे नहीं सवेरे बैठे होंदे, कुछ भी नहीं है। और पिंडों दे लोग दाड़ियां कटदे ने, सिगरट पींदे ने, अफीम छकदे ने, शराब रज के पींदे ने। हैरानगी दी गल, इस तरह दे बीज इस तरह दी खेती ते नहीं बोई सी गुरु नानक ने, गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने। खैर, मैं एक शारतन गल कीती है, निजाम ना बदलिया ते इतनिया कुर्बानियां दे होंदे होया असी सिर्फ 2 करोड़ सिर्फ 2 करोड़। अगले लिए फिर थोड़ा भविष्य की होवेगा अगर निजाम यही रखना है। शराबी बंदियां दे हवाले गुरुद्वारे रहनगे, ते जिहड़ा 1 साल दे च या 6 महीने च दर्शन देण आवे, संगत दे दर्शन करन ना आवे रोज, ते जे उहनां दे हवाले तुसीं गुरुद्वारे रखणे ने, ते मैनूं उम्मीद नहीं ये धर्म होर पनपे ते वधे ते फुले, उम्मीद नहीं। मिशनरी होण दे नाते इन्ने शब्द कह देना मैं अपना फर्ज अदा कीता है, ते हुण तुसीं इहनूं अमल दे च लैणा ये तुहाडा फर्ज है। ये तुहाडा कम है कि सारे संसार दे च क्यारियां दे मुखी माली ओह बणाईए जिहड़े बीज नूं सारी दुनिया च फैलाण, हर पासे फैलाण, ते बणियां बणाईयां खेतियां नूं जिहड़े उजाड़न ते गल नहीं बणदी। खैर, और जिहड़ा खतरियां नाल खेडदा है, खतरियां नूं मुल लैंदा है, उहदे कोल कुझ है, उहदे कोल जोश है, जज्बा है, हिम्मत है, गैरत है, धर्म है, सिदक होवेगा, और ऐसा बंदा ते खतरियां नाल खेडेगा। खतरियां नाल खेडण वाले दी जिंदगी कितनी होवेगी। पर मैं फिर अर्ज कर रहा, 9 साल कंडियां दी जिंदगी जीण नालों बेहतर है 9 घड़ियां फुल दी जिंदगी जीवना। कुछ महक दित्ती, कुछ चमक दित्ती, कुछ सुंदरता लुटाई, किसी की अखां का आनंद बनया, किसी की नासका का आनंद बनया, किसी के शरीर का आनंद बनया, कुछ दिता ते सही जगत में। कंडे ने की दिता? ये दुष्ट बड़े लंबे लंबे जीवते ने, लेकिन कभी भगतां ते संतां दे निगाह मार के वेख लेना, बौर मुताला करके वेख लेना। और संत भी मैं उसनों ही कहना जो खतरियां नूं मुल लवे, निरी पूजा है, मत्थे टिकवाई जा, ये लंबे जी सकते ने, इन्हां नूं मैं संत नहीं कहिंदा हुंदा। जो खतरा मुल लवे, जो खतरियां नाल टकरा है, कौम ते जुलम होवे, कौम नूं कुचलिया जा रहा होवे, ते इस प्रांत विच पंजाब विच कदम कदम दे ते संत ने, हर पिंड विच डेरा, हर शहर विच डेरे ही डेरे, ते कितने संतां ने आदा नारा मारिया, ते कितने विश्व सिख सम्मेलन विच आए, कितने संत आए सन, मैं वेखदा ही रहा सी, कोई संत आए ना। 5-10 मिनट लई बाबा खड़क सिंह आके बैठे उस सम्मेलन विच, ते उन्हां नूं वेखदिया मैनूं ख्याल आया होर किन्ने क संत आए ने, क्यों नहीं आए? आदा नारा नहीं मारना, सिर्फ पूजा ही करानी है, सिर्फ
ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸੰਤ ਆਏ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਆਦਾ ਨਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਸਿਰਫ ਪੂਜਾ ਹੀ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਮੱਥੇ ਟਿਕਵਾਉਣੇ ਨੇ ਤੇ ਜਦ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣਾ ਹੈ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕੌਮ ਦੀ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਸ਼ਕਤੀ ਖੋਣੀ ਹੈ ਐਸਾ ਸੰਮੇਲਨ ਹੋਵੇ ਦੁਸ਼ ਸੰਮੇਲਨ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਸੰਤ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸੰਤ ਆਖੋਗੇ ਸੰਤ ਉਹ ਜੋ ਖਤਰਿਆਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਵੇ ਸੰਤ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਜੋ ਖਤਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਏ ਛੱਡੋ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤ ਆਖੋਗੇ ਇਹ ਕੋਈ ਸੰਤ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਖਤਰੇ ਮੁੱਲ ਲਏ ਬਾਬਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਕੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਟਕਰਾ ਕੇ ਮੱਕੇ ਦੇ ਹਾਜੀਆਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਕੇ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਕੇ ਕਦਮ ਕਦਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਟਕਰਾਏ ਨੇ ਖਤਰੇ ਮੁੱਲ ਲਏ ਨੇ ਕਦਮ ਕਦਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਖਤਰੇ ਮੁੱਲ ਲਏ ਨੇ ਕਦਮ ਕਦਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਖਤਰਿਆਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਖਤਰਿਆਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਏ ਨੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਜੇ ਕਦੇ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਹੀ ਟੇਕ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਇਹਨ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੇ ਲੰਬਾ ਜੀ ਸਕਦੇ ਸਨ ਫਿਰ ਦੀਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਨੇ ਚਿਣਨਾ ਸੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਮਾਸੂਮ ਕਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੀਵਾਰਾਂ 'ਚ ਚਿਣ ਦੇਵੇ ਫਿਰ ਤੇ ਲੰਬਾ ਜੀ ਸਕਦੇ ਸਨ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਜੀ ਸਕਦੇ ਸਨ ਐਸੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਲੰਬੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਉਹ ਤੇ ਫੁੱਲ ਸਨ ਕੰਡੇ ਥੋੜੀ ਸਨ ਉਹ ਤੇ ਫੁੱਲ ਸਨ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਬੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਫੁੱਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਨਹੀਂ ਜੀਵਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕਦੀ ਕਦੀ ਰੱਬ ਐਸਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਫੁੱਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮਹਿਕ ਦਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਅਕਸਰ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਛੋਟੀ ਹੈ ਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਰੇ 'ਚ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਮਹਿਕ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਦਲੇਰੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਇਤਨੀ ਮਹਿਰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖਤਰਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਹੀ ਖੜਾ ਬੇਅਣਖਾ ਬੇਗੈਰਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ ਸਕਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਟਿਕਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਬਥੇਰੇ ਸੰਤ ਨੇ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਦਮ ਕਦਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਪਰ ਸੰਤ ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਖਤਰਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡੇ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਕਦੀ ਚੈਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਰਿਆਂ 'ਚ ਰਹੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਈਸਾ ਦੀ ਖਤਰਿਆਂ 'ਚ ਰਹੀ ਹੈ ਆਖਿਰ ਸੂਲੀ ਤੇ ਵੀ ਚੜ੍ਹਨਾ ਪਿਆ ਤੇ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 35 ਸਾਲ ਦੇ ਸਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਲੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਜੇ ਤੇ ਜਵਾਨ ਹੀ ਹੋਏ ਸਨ ਸੂਲੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਅਜੇ ਤੇ ਜਵਾਨ ਹੀ ਹੋਏ ਸਨ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ ਜਗਤ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੋ ਗਏ ਚੈਨ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੈਠਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਜੇ ਤੇ ਜਵਾਨ ਹੀ ਸਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਰੁਖਸਤ ਹੋ ਗਏ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਰੁਖਸਤ ਹੋਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਇਹ ਫੁੱਲ ਸਨ ਕੰਡੇ ਨੇ ਮਹਿਕ ਦੇ ਗਏ ਸੁਗੰਧੀ ਦੇ ਗਏ ਕੁਝ ਦੇ ਗਏ ਕੁਝ ਲੁਟਾ ਗਏ ਇਹ ਕੰਡਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਭੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚੁੱਭਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਜੀਵਦੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੇ ਜਦ ਮੈਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਪੜਿਆ ਬਈ 61 ਕੇ ਪਤਨੇ 62 ਸਾਲਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦਾ ਮੈਂ ਕਹਾਂ 62 ਸਾਲਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਲੋਕੀ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਮੈਂ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਕੰਡੇ ਬਹੁਤ ਜੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਹੁਤ ਜੀ ਲੈਂਦਾ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਥਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਜੀ ਲੈਂਦੇ ਕੰਡੇ ਤੇ ਕੰਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਕੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਤੱਕ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੂਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੁੱਲ ਖਿੜਦੇ ਨੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫੁੱਲ ਖਿੜਦੇ ਨੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਕੰਡਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਬੜੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੰਬੜੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਤੱਕ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੂਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੁੱਲ ਖਿੜਦੇ ਨੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫੁੱਲ ਖਿੜਦੇ ਨੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਕੰਡਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਬੜੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੰਬੜੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਖੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਡੇ ਨੇ ਇੰਜ ਚੰਬੜੇ ਨੇ ਇੰਜ ਚੰਬੜੇ ਨੇ 25-30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚਿੱਚੜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਰੇਨ ਲਿਆਵੇ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਰੇ ਕਰੇ ਤੇ ਕਰੇ ਉਂਝ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਰੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਚੰਬੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕੰਡੇ ਉਮਰ ਲੰਬੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਆਉਂਦੀ ਉਮਰ ਔਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਉਹ 1 ਸਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਟੰਗਦੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ 30-40 ਸਾਲ ਐਵੇਂ ਚੰਬੜੀ ਜਾਣਾ ਤੂੰ 1 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ
तेरी एक साल दी देन इस तरह दी होवे 40 साल भुले ही ना, पर तेरी 40 साल दी देन भी ऐसी होवे कि कौम नूं बर्बाद करके रख देवे, तबाह करके रख देवे, भ्रष्ट करके रख देवे। इत्थे कोई मैंने नहीं रख दी, ऐसे कोई गल नहीं है। घूम फिर के मैं देखिया सिंह सभावां नूं चमड़े ने 40-40 साल तो बुढ़े हो गए, 30-30 साल तो चमड़े ने, ते देखदा कि उन्हां दे अपने ही बच्चे पतत ने, आप शराब पींदे ने, पंज बाणियां दे ने तनेम दा कोई पतला ही पता ही नहीं है। ये निरे ही चिचड़, ये निरे ही कंडे, ते मैं अर्ज करा इन्हां दी जिंदगी च कोई खतरे भी नहीं आउंदे, ये भी मैं अर्ज करा, ये सुरक्षित रह जांदे ने, बच जांदे ने, ये हर थां ते सुरक्षित रहिंदे ने। कंडे ने हुण फुल होवन ते झुलस जाण, जे फुल होण ते मिट जाण, फुल होण ते कुर्बान हो जाण, सदके हो जाण, फुल कुर्बान होके भी सेंट बन जाता है, अतर बन जाता है, खुशबू दे ही रखता है। कंडे के अर्ज करा, कंडे की जिंदगी बहुत लंबी है, कंडिया के अत्र नहीं बनते, फुलों के अत्र बनते हैं। फुल मर जाता है, फुल की स्पीड कम करती रहती है, सेंट कम करता रहता है, अतर कम करता रहता है, सुगंधी कम करती रहती है, महक कम करती रहती है, तो मिट गए ना, फुल कुर्बान हो गए, फुल उबलती देख दे उबल गए, लेकिन रूह मौजूद, सुगंधी मौजूद, महक मौजूद। खिमा करनी, फुल मिट के भी नहीं मिटता, कंधा जिंदा रह के भी जिंदा नहीं आता, मुर्दा ही आता है, यह हकीकत है। कंधा जिंदा है, जिंदगी कोई नहीं, मुर्दा है, फुल मिट गया है, मर गया है, पर जिंदा है, उसकी महक मौजूद है, उसकी सुगंधी मौजूद है, उसकी खुशबू मौजूद है, वह मुअत्तर कर रहा है, उसकी जो है स्पिरिट काम कर रही है। तो मैं फिर अर्ज करा, 90 साल कंडे की जिंदगी जीण नालों बेहतर है 90 मिनट फुल की जिंदगी जीवना। कुछ महक तो दी, जिथे जितनी ज्यादा जिंदगी होगी उत्थे खतरे होणगे, इन्नी मैं अर्ज कर रहा। जोड़ा खतरे च जीवदा नहीं, वो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल कुछ नहीं है। तो मैं जितने ये संत देखे ने, कई उन जाति गल भी करके देखी, कहना असी की लेना, ज्ञानी जी छो, असी इन्होंने गलों च की लेना, भी ठीक उ कहना पैदा, जिंदगी कोई नहीं, जीवन कोई नहीं, अगर जिंदगी हो बंदा खतरे मुल लवेगा, जोड़ा जितने ज्यादा खतरे मुल ले सकता है वो उतनी ज्यादा जिंदगी है। इतनी मैं अर्ज कर दें, जोड़ा हम माउंट एवरेस्ट से चढ़े, गौरी शंकर की चोटी से चढ़े, तो खतरे से मुल लवेगा। तो मैं देखता पे इस तरह के दुष्ट इस देश तो चंबड़े हुए ने, और अजे भी चंबड़े हुए ने, अजे भी पूरे ताकत नाल चंबड़े हुए ने। कई दफा अंदरों अरदास जागती है, दाता कुछ अपना निजाम बदल, इतने बहुत चिरां दे चंबड़े हुए ने, गुरुद्वारिया नूं भी, देश नूं भी, पार्लियामेंट नूं भी, असेंबली हाल नूं भी, इतने सब कंडे, इतने सब दुष्ट। इस वास्ते समुचे देश नूं भ्रष्ट करके रख दिता, समुचे देश नूं बेईमान बना के रख दिता, समुचे देश नूं जिस ढंग दे नाल ये जिथे लै गए ने, इत्थों पता चलता है ये निरे कंडे दे कंडे चंबड़े ने। एक एक दी जीवनी पढ़ के ते देखो, पहले जेल कट्टी है देश की आजादी लई, ते आम एक मुहावरा है, चोर पहले चोरी करता है फिर जेल कटता है। इन्होंने जेल पहले कट ली है, चोरी हुण रज के करी जांदे ने, हुण लुटी जांदे ने, जो सजा भोगनी सी तो इन्होंने भोग ली, हुण लुटो करो, सारा कुछ जो है करी जांदे ने। खैर लमकावा ना मैं, समा हो गया है। जिथे जितनी ज्यादा जिंदगी है उथे खतरा होवेगा, लाजमी खतरा होगा। जिथे जिंदगी कोई नहीं उथे की खतरा, जिथे कोमलता नहीं, जिथे महक नहीं, जिथे सुगंधी नहीं, जिथे जिंदगी नहीं, उन्हों मरण का की खतरा, मुर्दे नू मरण का की खतरा। लतीफा मैं पढ़ रहा सी कि एक पिंड 100 घर सन, ते प्लेग पै गई, ते 100 दे 100 घर दे बंदे मर गए, जी मर गए, कोई डंडोरा पिया दे इस पिंड नू खतरा है प्लेग तो, बहुत खतरा है प्लेग तो, खतरा हुण कहदा, खतरा मुर्दे ही नहीं सारे, मरे ही पैने, हुण कहदा खतरा, मरे हुए नू बीमारी दा हुण की खतरा, वो ते मर गया मुर्दा, मुर्दे नू की खतरा, जीवदे जागदे बंदे नू खतरा हुंदा है बीमारियां दा,
जिथे जितनी ज्यादा जिंदगी होगी खिमा करनी संसार उस वास्ते इतने खतरे होंगे। सारी जिंदगी गुरु गोबिंद सिंह जी खतरिया चलंगी कदम कदम देते। और इस वास्ते अला यार खान जोगी लिखते ने, आदाब ने कभी तुझको संभलने न दिया था, आराम से पहलू को बदलने न दिया था, कांटाओ दिले पर हों से निकलने न दिया था। ए गुरु गोबिंद सिंह जी, चारों पासे दिया अदावतां ने कदी तेनु चैन नाल आराम नाल बैठन नहीं दिता। कदी बाई धार दे राजियां दी अदावत, शरीकां दी अदावत, ब्राह्मणा दी अदावत, मुगलां दी अदावत, चारों पासे अदावत ही अदावत। इस तरह का बंदा हुण मुगल अदावत करन, भाईदार दे राजे अदावत करन, शरीक अदावत करन, ब्राह्मण अदावत करन, मौलवी अदावत करन, गल की है किसी होर नाल क्यों नहीं। जिंदगी ज्यादा से खिड़िया होया पुल से तोड़न नूं बहुत आण गए, निचोड़न नूं बहुत आण गए, क्योंकि फुल है। मैं फिर अर्ज करा, जिहदी जिंदगी च कोई खतरा नहीं मुरदा है कंडा है, कोई जिंदगी नहीं होती। बथेरे मिले ने मैनू, असी की लैणा। एक शहर दे मैं पहुंचे, मैंने कह लगे चंगे भले रहिंदे सी, मशीन ने आके विपता पा दिती है। क्योंकि कथा करन नाल कितरे पुलिस आने लग पई गुरुद्वारे, ते कहन लगे चंगे भले बैठे सी, खांदे पींदे ने आके विपता पा छड़ी, सन मुसीबत च फसा छड़े। ते मैनू उहनां दे बोल याद आया, ते मैनू कहना ही पिया। मैं तां पहली दफा मुरदिआं दे दर्शन होए ने, मुरदिआं नूं कथा सुणांदा रहा, मुरदिआं दे दर्शन होए ने। मुरदे ये खतरे कोई मोल नहीं, कौम सारी विपता च फसी पई होवे, कौम का केंद्र भी विपता च होवे, मौजा माणो ते आखो खतरा मुल ही नहीं लेना, तो मुरदे हो गए और की है। साहेब संकट वे सेवक भजे, चिरंकाल ने जीवे दो कुल लजे। ओदिया ते दोनों कुल ना लजाए मान हो जांदियां ने, ज्यादा चिर तक नहीं जी सकेगा। ते भगत नामदेव जी महाराज का कहना